स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड द ईवीएस ऑफ क्लास फोर्थ चैप्टर फर्स्ट गोइंग टू स्कूल. लेट अस मीट सम चिल्ड्रन, सी हाउ दे रीच स्कूल. अब आओ कुछ बच्चों से मिले, देखते हैं वो कैसे स्कूल जाते हैं. बैम्बू ब्रिज, इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव. समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर is knee high water everywhere, but that does not stop us from getting to school. We hold our books in one hand and bamboo with the other. We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. अब देखिए, बैम्बू ब्रिज से कुछ बच्चे स्कूल जाते थे, ये उनकी कहानी है. हमारे गांव में बहुत बरसात हुई, ठीक है. बरसात के कुछ टाइम बाद रिवर में बहुत सारा वाटर आ चुका था, ठीक है, सब जगह पानी भर चुका था. पर हमको स्कूल जाना ही था, ठीक है. तो हमने एक हाथ में अपनी बुक्स ली और एक हाथ में बम्बू, और हमने बैम्बू और रॉप का बना हुआ जो ब्रिज था वो जल्दी जल्दी क्रॉस कर लिया स्कूल जाने के लिए, ठीक है. कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन अ पिक्चर. ट्राई वॉकिंग ऑन देम, वॉज इट इजी. अब आप देखिए कि आप कुछ ब्रिक्स कलेक्ट कीजिए, उनको ग्राउंड पे रख दीजिए जैसे इस पिक्चर में बताया है, और उन पे वॉक करने के लिए ट्राई कीजिए. क्या ये इजी हो सकता है? आप करके देखिएगा. मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग फोर और फाइव बैम्बू पोल्स टूगेदर. आस्क योर टीचर टू हेल्प यू. नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज. हाउ डिड यू फील? डिड यू फॉल डाउन? इफ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट इजी. अब देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक स्मॉल ब्रिज बनाना है फोर और फाइव बम्बू पॉल्स से, और आपके टीचर से बोलना है कि वो आपकी हेल्प करे, और आपको उस ब्रिज पे चलना है. अब आप क्या आप उस ब्रिज पे से बार बार गिर जाते हैं? क्या आपको उस ब्रिज पे चलना इजी लगता है? Do you think it would be easier to walk on this bridge barefoot or with shoes or slippers? क्या आप ये सोचते हैं कि आप इस ब्रिज पे barefoot से या शूज से या स्लीपर से चल सकते हैं? Why? So क्यों? The trolley. Every day we have to cross the river to get to school. The river is wide and deep. There is a strong iron rope across the river on both the sides. It is tied tightly with strong trees or rocks. There is a trolley, an open box made of wood attached with the rope. Four or five of seat in the trolley. A pulley helps the trolley to move across the rope. We reach the other side of the river in a short time. अब देखिए, ये एक ट्रॉली की स्टोरी है. हमको हर दिन रिवर क्रॉस करनी पड़ती थी स्कूल जाने के लिए, ठीक है. जो रिवर थी वो बहुत ही डीप थी, ठीक है, और रिवर के दोनों साइड पे रस्सियाँ बंधी हुई थी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग या तो वुड से या तो स्ट्रॉन्ग वुड से या स्ट्रॉन्ग रॉक से, ठीक है, आयरन रॉक बंधी हुई थी, और उसी में एक ट्रॉली भी टाइट थी साथ में. ट्रॉली जिसमें चार या पांच पर्सन बैठ पाते थे, हमको उसी में बैठ के हमको स्कूल पहुंचना रहता था. उसी में बैठ के हमें रिवर पार करनी रहती थी, और रिवर पार करके हम जल्दी स्कूल पहुंच जाते थे.
लेट अस डू ऑब्जर्व पिक्चर्स वन एंड टू. इन द पिक्चर्स चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल. कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स? विच वुड बी ईजियर, यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग टू लिफ्ट थिंग्स? अब देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए पिक्चर वन और टू को. चिल्ड्रन जो है वो वेल में से बकेट को पुल कर रहे हैं, बकेट को खींच रहे हैं. अब आप देखिए कि कौन सी जो पिक्चर है उसमें ईजी वे में काम हो रहा है, पुली वाले सिस्टम में या बिना पुली वाले में. ऑब्वियसली बिना ऑब्वियसली पुली वाले सिस्टम में ईजीली काम हो रहा है. लुक अराउंड यू वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुलीज एंड लिफ्ट देम. अब आपको क्या करना है, आपको हर उस जगह पे देखना है जहाँ पे पुली सिस्टम यूज़ हो रहा है, ठीक है, आपके आसपास में, और उनको लिस्ट करना है. विद द हेल्प ऑफ अ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर. आप पुली की हेल्प से कुछ चीज़ों को लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है. सीमेंट ब्रिज, वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, सो वी यूज ब्रिजेस. दीज आर मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स. द ब्रिज मे ऑल्सो हैव स्टेप्स. अब देखिए, सीमेंट ब्रिज कैसा होता है, हम जब कोई भी रिवर क्रॉस कर रहे होते हैं तो हमको सीमेंट का ब्रिज क्रॉस करना होता है, जिसमें सीढ़ियाँ होती है, जिसमें आयरन रॉड्स लगा होता है और जिसमें ब्रिक्स लगा होता है. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं. हाउ इज दिस ब्रिज मेड फ्रॉम द बैम्बो ब्रिज? अब सीमेंट ब्रिज बैम्बो ब्रिज से कैसे डिफरेंट हुआ? ऑब्वियसली जो सीमेंट और ब्रिक्स का ब्रिज होगा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा. हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? अब आप क्या सोचते हैं कि कितने पीपल एक टाइम में वो सीमेंट का ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं? यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस टू क्रॉस रिवर्स एंड अदर अनइवन एरियाज टू रीच स्कूल. आपने देखा होगा कि कैसे चिल्ड्रंस ये अपने स्कूल जाने के लिए डिफरेंट तरीके के जो ब्रिजेज हैं उनको क्रॉस करके जाना पड़ता था वो ब्रिजेज. If you had a chance, which bridge would you like to use and why? अब आपको अगर कोई ब्रिज क्रॉस करने का चांस मिला तो आप कौन सा ब्रिज क्रॉस करोगे और क्यों? Do you have to cross bridge on the way of your school? If yes, what is the bridge like? Draw a picture. अब आपको ये लिखना है कि क्या आपको कोई ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है स्कूल आते समय, वो किस टाइप का ब्रिज रहता है, आपको उसका पिक्चर भी ड्रा करना है. फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग. अब आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि जब वो स्कूल जाते थे तब किस टाइप के ब्रिज हुआ करते थे. इज देयर ब्रिज नियर योर हाउस? फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज. क्या आपके घर के आसपास कोई ब्रिज है, आपको ब्रिज के बारे में और ज़्यादा पता लगाना है. वेयर इज द ब्रिज ओवर वाटर ओवर अ रोड बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स? ब्रिज कहाँ कहाँ होते हैं, वाटर के ऊपर, माउंटेन पे या कहीं और? हु ऑल यूज द ब्रिज? Is it used by people on foot and also by vehicles and animals? ब्रिज कौन कौन यूज़ करते हैं, क्या जो पैदल चलते हैं वो, या जिनके पास व्हीकल्स और एनिमल्स होते हैं वो? Does the bridge seem to be old or is it new? क्या आपको ब्रिज नया लगता है या पुराना लगता है? Find out what materials are used in making this bridge. List some of them. अब आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ें ढूंढनी है जिससे ब्रिज बनता है, ठीक.
है, और उनमें से कुछ चीज़ों को आपको लिस्ट करना है, लिस्ट बनानी है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक, डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। अब आपको क्या करना है, एक ब्रिज का डायग्राम बनाना है आपको अपनी नोटबुक में, और आपको ये नहीं भूलना है कि आप उस पे उस ब्रिज पे ट्रेन बनाओ, व्हीकल्स बनाओ, एनिमल्स बनाओ जो ब्रिज को क्रॉस कर रहे हो। इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज देयर वुड बी इफ द ब्रिज वॉज नॉट देयर। अब आपको इमेजिन करना है कि क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती थी अगर वहाँ ब्रिज नहीं होता तो। लेट अस फाइंड आउट सम अदर वेज बाय विच चिल्ड्रन गेट टू स्कूल। अब हम और कुछ वेज ढूंढेंगे जिससे चिल्ड्रन स्कूल जा सकते हैं, ठीक है। वल्लम, इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज़ अ वल्लम, स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल, ठीक है। वल्लम क्या होता है, कुछ पार्ट्स केरला के कुछ पार्ट्स में जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, वो वल्लम यानी एक स्मॉल वुडन बोट का यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए, ठीक है। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स, क्या आपने किसी दूसरी काइंड की बोट को देखा है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर, क्या आप कोई दूसरा तरीका जानते हैं जिनसे हम स्कूल जा सकें या किसी और जगह पे ट्रेवल कर सकें। राजस्थान, वी लिव इन द डेजर्ट, देयर इज अ सैंड ऑल अराउंड, इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, वी राइड ऑन द केमल कार्ट टू रीच स्कूल, ठीक है। ये स्कूली बच्चे बोल रहे हैं, स्कूल के बच्चे बोल रहे हैं कि हम डेजर्ट एरिया में रहते हैं राजस्थान के, ठीक है, और वहाँ आसपास पूरी रेत ही रेत है जो बहुत गर्म रहती है दिन में, ठीक है। तो हमको केमल कार्ट में, यानी केमल कार्ट यानी हाँ केमल के ऊपर राइड करके जाना रहता था, ठीक है। हैव यू एवर सेट इन अ केमल कार्ट और हॉर्स कैरिएज, वेयर डिड यू क्लाइम ऑन इट योर सेल्फ और डिड समवन हेल्प यू, क्या आपने कभी कैमल कार्ट या हॉर्स कैरिएज में ट्रेवल किया है, और क्या आपको उसमें चढ़ने के लिए किसी ने हेल्प की, आप खुद चढ़ गए, ठीक है। बुलॉक कार्ट, वी राइड इन अवर बुलॉक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, इफ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज़ अम्ब्रेलाज। अब देखिए जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि हमको जब स्कूल जाना रहता है तो हम बुलॉक कार्ट का यूज़ करते हैं ग्रीन मैदान में, ठीक है, जब या तो बहुत धूप हो या बहुत बरसात हो रही है तो हम अम्ब्रेला लेके जाते हैं। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट, ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो। अब आपको क्या करना है, आपको कैसा लगता है जब आप किसी कार्ट में, या तो बैलगाड़ी में या कैमल कार्ट में आप जब ट्रेवल कर रहे होते हो तो आपको कैसा लगता है, आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं। डू यू हैव बुलॉक कार्ट्स वेयर यू लिव, क्या आपके पास बुलॉक कार्ट्स हैं जहाँ पे आप रहते हो। डज इट हैव अ रूफ, क्या उसके ऊपर रूफ यानी छत बनी हुई है। व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव, उन पे कैसे व्हील्स लगे हुए हैं। मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक, अब आपको आपकी नोटबुक में उस ब्लॉक कार्ट की या किसी भी कार्ट की ड्राइंग बनानी है। बाइसिकल राइड, वी राइड अवर बाइसिकल्स ऑन लॉन्ग रोड टू गो स्कूल, एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज टू फार, बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7 और 8 गर्ल्स इजीली राइड इवन थ्रू वेन द डिफ़िकल्ट रोड्स। अब देखिए अब कुछ बच्चे जो हैं वो बाइसिकल से स्कूल जाते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि हमको बाइसिकल से राइड करना पड़ता है बहुत लंबे रोड के लिए हमारे स्कूल जाने के लिए। एट द फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल, मतलब
फर्स्टली गर्ल्स नहीं पहुंचती थी स्कूल में, ठीक है, क्योंकि रोड जो था, जो हमारा स्कूल था वो बहुत ही दूर था, लेकिन 7 और 8 गर्ल्स का जो ग्रुप रहता था वो इजीली राइड कर पाता था बाइसिकल, ठीक है, इवन डिफिकल्ट रोड पे भी वो इजीली राइड कर लेते थे। कैन यू राइड बाइसिकल? इफ यस, हु टॉट यू टू राइड? अब क्या आप बाइसिकल राइड कर सकते हो? और यदि हाँ, तो आपको किसने सिखाया बाइसिकल राइड करना? हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल? अब कितने चिल्ड्रन आपकी स्कूल में बाइसिकल से आते हैं? जुगाड़, व्हाट व्हीकल? लुक एट अवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड्स फुट 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 व्हेन इट रन्स, इज इट नॉट समथिंग स्पेशल? द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल, बट द कैरिएज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। अब देखिए क्या जुगाड़ है, ठीक है, लुक एट अवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, हमारे स्पेशल ट्रांसपोर्ट की तरफ देखो, ये कैसे साउंड करता है? फुट फुट फुट, जब ये चलता है तो ये फुट 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 साउंड करता है, ठीक है, ये कुछ स्पेशल नहीं है। जो फ्रंट वाला पार्ट है वो मोटरसाइकिल की तरह दिख रहा है, और जो पीछे वाला पार्ट है उसमें कैरियेज बना रखा है वुड से, ठीक है। डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया? क्या आपके एरिया में ऐसा कोई व्हीकल है? व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया? अब आप इन व्हीकल्स को क्या बोलते हैं आपके एरिया में? वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस एंड वाई? क्या आप इस टाइप के किसी व्हीकल में ट्रेवल करने के लिए पसंद करते हैं और क्यों? कैन यू टेल व्हाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़? क्या आप बता सकते हैं इसको जुगाड़ क्यों बोला गया है? द जुगाड़ हैज़ बिन मेड बाई यूजिंग वेस्ट मटेरियल, वाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाई पुटिंग टूगेदर सम वेस्ट मटेरियल? जो जुगाड़ है वो काहे से बनाया जाता है? वेस्ट मटेरियल जो आपके घर में मौजूद हो, ठीक है, आप क्यों नहीं ट्राई करते ऐसे ही जुगाड़ करने का, ऐसे ही कुछ चीज़ें बनाने का वेस्ट मटेरियल से? कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नॉन ऑफ दीज व्हीकल्स कैन रीच? यस, देयर आर सच प्लेसेस। क्या आप कुछ प्लेसेस सोच सकते हो जहाँ पे ये व्हीकल्स नहीं पहुँच पाते हैं? ठीक है, हाँ, ऐसी प्लेसेस हैं, लेकिन कौन सी प्लेसेस? चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, वी हैव गो थ्रू अ थीक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल, एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थीक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट, देयर यू कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। अब देखिए कुछ जो चिल्ड्रंस होते हैं कहीं कहीं जगह पे, उनको बहुत घना जंगल क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये उन्हीं की स्टोरी है कि हमें स्कूल जाने के लिए बहुत थीक फॉरेस्ट क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है, और जहाँ पे सनलाइट भी नहीं मिलता है ऐसे भी थीक फॉरेस्ट क्रॉस करके जाना पड़ता है हमें, और जो बहुत साइलेंट होता है, जहाँ पे आपको केवल बर्ड्स और कुछ डिफरेंट क्रिएचर्स की आवाज़ सुनाई देती है। हैव यू एवर बीन इन अ थीक जंगल और एनी सच प्लेस? क्या आपने कभी किसी घने जंगल को क्रॉस किया है या किसी और प्लेस को? राइट योर एक्सपीरियंसेस इन योर नोटबुक। अब आपको आपके एक्सपीरियंसेस लिखना है आपकी नोटबुक में। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स? कैन यू इमिटेट द साउंड्स ऑफ सम बर्ड्स डू इट? क्या आप किसी बर्ड को उनके साउंड से रिकॉग्नाइज कर सकते हो, पहचान सकते हो? अब आपको वैसा ही साउंड बनाना है, ठीक है, बर्ड्स का। लेट्स डू इट। मूविंग ऑन द स्नो, सी हाउ वी रीच स्कूल, वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, इफ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक इन टू इट।
When the snow is frozen, we may sleep and fall. देखिए अब कुछ जो चिल्ड्रन हैं उन्हें स्नो से होके भी स्कूल जाना पड़ता था, ठीक है, तो वो क्या करते थे, एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते थे। अब अगर स्नो जो है वो सॉफ्ट हुई तो वो उनके पैर जो है उसमें धंस जाते थे, और अगर स्नो फ्रोजन हुई तो वो या तो स्लिप हो जाते थे या गिर जाते थे। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन फिल्म्स और समवेयर एल्स? क्या आपने कभी बहुत सारी स्नो देखी है? देखी है तो कहाँ देखी है, फिल्म्स में या कहीं और? डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम? वाई, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ प्लेसेस में स्नो होती है, ठीक है, उन प्लेसेस में स्नो क्यों होती है? रॉकी पाथ्स, वी लिव इन द माउंटेन्स, द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दीज, बट वी कैन इजीली रेस अप एंड डाउन। अब रॉकी पाथ्स, अब जो माउंटेन्स एरिया में जो चिल्ड्रंस रहते हैं उनको रॉकी पाथ्स से होके स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है, जो चिल्ड्रन प्लेन एरिया में रहते हैं वो क्या, उनको इस एरिया में चलने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, बट हम इस पर इजीली रेस करते हैं, अप और डाउन, ठीक है। नो मैटर वेदर देयर इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे, वी मैनेज टू रीच द स्कूल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एरिया कैसा है, डेंस फॉरेस्ट है, फार्म्स है, खेत है, माउंटेन है या स्नो है, हम मैनेज कर लेते हैं स्कूल जाने के लिए। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे ऑफ योर स्कूल? क्या आपकी स्कूल के रास्ते में कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं? वॉट इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल एंड वाई? वो कौन सा बेस्ट मंथ होता था जिसमें आप स्कूल जाना पसंद करते थे और क्यों? सी मी वॉक, गो टू ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड्स, एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन, द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स, द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड देर इज अ टॉल ग्रास ऑन द साइड्स, द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो। अब आपको क्या करना है, आपको जैसे जैसी जैसी सिचुएशन बताई है उसी तरह से चलना है, ठीक है। ग्राउंड पे बहुत सारे जो रोज़ के पेटल्स हैं वो बिखरे हुए हैं, ठीक है, ग्राउंड पे थॉर्न्स है और साइड में ग्रास जो है वो बनी हुई है, और आप उस सिचुएशन में कैसे चलोगे, उसी तरह से एक्ट करके आपको चलना है। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो, और जो ग्राउंड है वो स्नो से कवर्ड है, तो आप कैसे चलोगे? वॉज देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉक्ड ईच टाइम, डिस्कस। क्या आपको कोई डिफरेंस दिखता है हर टाइम में वॉक करने में, आपको ये डिस्कस करना है। फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन, फेल्ड इन द टेस्ट 30 रूलर्स, फुल्ड अराउंड इन द टेस्ट 15 रूलर्स, होमवर्क नॉट डन 8 रूलर्स, नेल्स, टीथ, ड्रेस नॉट क्लीन 30 सीटअप्स, हैविंग फन इन क्लास व्हेन द टीचर इज आउट, स्टैंड ऑन वन लेग फॉर 2 आवर्स, नॉट बैक इन क्लास आफ्टर द रिसेस, स्टैंड ऑन द बेंच विथ योर हैंड्स अप इन द एयर फॉर 1 आवर। अब देखिए, अब पनिशमेंट्स कैसे कैसे होते हैं स्कूल में, ठीक है। अब कभी आप टेस्ट में फेल हो गए तो कितने 30 रूलर्स यानी 30 स्केल से मार पड़ती थी, ठीक है। अब फूल्ड अराउंड इन द टेस्ट 15 रूलर्स, अब
कभी आपने या तो टेस्ट में किसी को बेवकूफ़ बनाया या तो चीटिंग की हो तो 15 रूलर्स पढ़ते थे, अब कभी होमवर्क नहीं किया हो तो 8 रूलर्स यानी 8 स्केल्स, या कभी नेल्स टीथ या ड्रेस नहीं क्लीन होती थी तो कितनी 30 सिटअप्स लगानी पड़ती थी। ठीक है, अब कभी आप क्लास में मस्ती कर रहे हैं, जब टीचर नहीं है क्लास में तो आपको एक पैर पे खड़ा होना पड़ता था। ठीक है, कितने 2 घंटे के लिए एक पैर पे खड़ा होना पड़ता था। नॉट बैक इन क्लास आफ्टर रिसेस, अब जब कोई बच्चा वापस रिसेस से वापस क्लास में नहीं आता है तो कितने बेंच पे खड़ा होना पड़ता था हाथ ऊपर करके, कितने 1 घंटे तक। टॉक एंड शेयर अबाउट इट, डू यू हैव अ पनिशमेंट इन योर स्कूल, वॉट काइंड, क्या आपको कभी आपके स्कूल में पनिशमेंट मिला है और मिला है तो किस टाइप का मिला है। डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर इन स्कूल, क्या आप सोचते हो कि ये पनिशमेंट जो है वो स्कूल में नहीं मिलना चाहिए। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट, हुम विल यू इन्फॉर्म, अब अगर आपको पनिशमेंट मिला है तो आपने किसको इन्फॉर्म किया, हाउ विल यू मेक अ कंप्लेंट, आपने किसको कंप्लेंट किया, आपने कैसे कंप्लेंट किया। इज़ पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड्स, मेक सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसडीड्स, क्या पनिशमेंट ही एक सॉल्यूशन है मिसडीड्स ना करने का, आपको कुछ रूल्स बनाने होंगे। ठीक है, मिसडीड्स से प्रिवेंट करने का, मिसडीड्स से बचने का। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल इन योर नोटबुक एंड राइट अबाउट इट एंड शेयर इन द क्लासेस, अब आपको क्या करना है, आपको आपके ड्रीम स्कूल का पिक्चर बनाना है कि स्कूल कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, नोटबुक में उसका पिक्चर बनाना है और आपको आपके जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करना है। ओके, सो ये चैप्टर हमारा खत्म।